सो फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डन जिसके बहुत सारे सब पार्ट थे. नाउ आई एम टेकिंग सेकेंड. पर सेकेंड में मैं दो ऐसे क्वेश्चन ले रही हूँ जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं. उनका नंबर है थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. मैं ये साथ में लूँगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, क्वेश्चन में खुद ही दी हुई है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. बट हम क्वेश्चन से जज करेंगे कि ये प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी. 4x माइनस 5 एंड 4x माइनस 1. ठीक है. हमारी जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज x प्लस ए एक्स प्लस बी इफ वी हैव दिस देन इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ऑफ x प्लस ए बी. सबसे पहले हम ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर की पोजीशन को चेक करेंगे. दोनों सेम होना चाहिए. यहाँ पर भी दोनों सेम हैं. मीन्स इन प्लेस ऑफ x वी हैव 4x, है ना. ये आप अपनी कन्वीनियंस के लिए फाइंड कर लें. इन प्लेस ऑफ a वी हैव माइनस 5 एंड इन प्लेस ऑफ v वी हैव माइनस 1. ये हमने जब पता कर लिए तो हमें अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाएगा. 4x माइनस 5 4x माइनस 1 इज इक्वल टू, पहले होता है हमारा x स्क्वायर और a हम x हमारा क्या है 4x प्लस a प्लस बी एक्स. एक्स क्या है 4x प्लस a इंटू बी. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन इन दिस प्रॉपर्टी. इन प्लेस ऑफ x जो भी हमें गिवन है हमने वो पुट किया. इन प्लेस ऑफ a एंड इन प्लेस ऑफ v जो भी वैल्यू पता है हमने वो सब्स्टिट्यूट करी. ठीक है. अब क्या होगा, 4x होल स्क्वायर ओपन होगा तो इट इज 16x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 4x एंड माइनस 5 एंड माइनस 1 इज 5. ठीक है. 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ. इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है बस साइन चेंज है. तो देखिए कितना इफेक्ट आ जाएगा वही प्रॉपर्टी. ठीक है. यहाँ पर क्या था, दोनों माइनस थे, यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है. सेम वही तरीका हम क्या करेंगे. प्रॉपर्टी हमारी कहती है इफ़ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. ए और बी कंपेयर कर लें, एक्स फाइंड कर लें. इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव 4x. इन प्लेस ऑफ ए नाउ वी हैव 5. इन दिस क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ ए वी हैड माइनस 5 बट हेयर इट इज 5 एंड बी इज माइनस 1. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. 4x प्लस 5 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी 5 प्लस माइनस 1. a प्लस बी लगाया मैंने. ठीक है. और x की प्लेस पे क्या है 4x प्लस a इंटू बी 5 इंटू माइनस 1. ठीक है. आप देखिए इट इज 16x स्क्वायर. इसको ओपन करें. 5 माइनस 1 इज 4. 4 4 इज 16x. ये पहले सॉल्व हुआ. 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 1 इज 4. 4 4 इज 16 और यहाँ पे क्या हो गया माइनस 5 बिकॉज 5 इंटू माइनस 1. दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं. एक साइन चेंज होने से दोनों के आंसर में कितना बड़ा चेंज है आप देख सकते हैं. यहाँ माइनस 24 है, यहाँ 16 है. यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 5 है. इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ लिए. अब मैं अगला लूंगी. अगला है फिफ्थ एंड सिक्स्थ. नाउ आफ्टर टेकिंग थर्ड एंड फोर्थ नाउ आई एम स्किपिंग फिफ्थ एंड टेकिंग सिक्स्थ एंड सेवेंथ. ठीक है. सिक्स्थ इज लिटिल बिट डिफरेंट. सिक्स्थ 2a square plus 9 and 2a square plus 5. अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी के फॉर्म में तो ये दिख रहा है. हम कंपेयर इमीजिएटली कर लेंगे जिससे हमें x और y की वैल्यू मिल जाए. आइडेंटिटी हमारी क्या होती है प्लस ए बी. फाइन. इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. इन प्लेस ऑफ x वी हैव क्लियरली सीन 2a square.
and in place of A it is 9, in place of B it is 5. अब जब हमें ये पता चल गया तो हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. 2a² + 5 = क्या होती है हमारी आइडेंटिटी, x² means 2a² whole square plus a plus b, x is what, 2a² plus a into b, right? Now 2a² whole square, 2 का स्क्वायर होगा 4 एंड a² to the square is a to the power 4. पावर टू द पावर जब होती है तो पावर और पावर क्या हो जाती है, यस मल्टीप्लाई. प्लस 9 and 5 is 14, 14 2 are 28a² प्लस 9 5 are 45. सो दिस इज योर आंसर ऑफ 6th. ठीक है, अब इसी के साथ में हम 7th लेंगे. 7th नंबर क्वेश्चन इज अगेन थोड़ा सा डिफरेंट. xyz -4 and xyz -2 कंपेयर करेंगे हम. इन प्लेस ऑफ x वी हैव xyz, इन प्लेस ऑफ a -4, इन प्लेस ऑफ b -2. ये हमें पता अगर चल जाए तो हम आइडेंटिटी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं. हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, x + a, x + b इज इक्वलेंट टू x² a + bx and ab. हमारा क्वेश्चन क्या है, xyz -4 xyz -2, दिस इज माई 2 है एंड दिस इज z, डोंट बी कन्फ्यूज, ये z है ये मेरा 2 है. ठीक है, अब क्या होगा, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. वैल्यू दूसरे तरीके से कर देते हैं, इन प्लेस ऑफ x xyz whole square प्लस a + b, a इज वॉट -4, b इज -2 एंड x इज xyz प्लस ab, a इज वॉट -4 एंड b इज -2. सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन इन आइडेंटिटी, ये हो जाएगा x² y² z² क्योंकि होल स्क्वायर ओपन क्या है, प्लस ये होगा -6 xyz प्लस 4 2 8, ये ऑटोमेटिकली प्लस हो गए क्योंकि दोनों माइनस के. सो योर फाइनल आंसर इज x² y² z² -6 xyz + 8. सिंपल है बट थोड़ा सा साइन का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड था. नाउ आफ्टर टेकिंग 1 and 2, थर्ड आई एम स्किपिंग एंड आई एम डायरेक्टली टेकिंग 4th क्वेश्चन, उसके कुछ पार्ट्स. ठीक है, 4th में क्या है, मिक्सचर है क्वेश्चन का एंड उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बताई, केवल लिख दिया है सिंप्लीफाई. हमें अपनी समझ से इसे सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है a² - b² whole square. ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पता है, x - y whole square = x² - 2xy + y². अब यहाँ पर इन प्लेस ऑफ x दे हैव गिवन a² इन प्लेस ऑफ y दे हैव गिवन b² तो अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. ठीक है, a² - b² whole square = a² तो हमारा क्या हो जाएगा, x a² का whole square - 2 ab + b² ऐसे तो सिंपल है बट हमें x और y पता होना चाहिए कि क्या आए तभी हम फाइंड कर सकते हैं. a² - 4 2a² - b² + b² बहुत ही सिंपल था, बस हमें केयरफुली क्या फाइंड करना था, इन प्लेस ऑफ x क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है एंड इन प्लेस ऑफ y क्या है, b स्क्वायर है. सेकेंड इज 2x + 5 whole square - 2x - 5 whole square
अब ये क्वेश्चन के टर्म के बीच में हमारे पास क्या है, माइनस, मीन्स इसके दो पार्ट हो रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो हम बहुत केयरफुली सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लगाएंगे होल स्क्वायर। तो हम पहले नाम ही दे देते हैं इसे, फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड। तो फर्स्ट वी आर सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, 2x + 5 होल स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से आप इतना कंफर्टेबल हो गए होंगे कि आप ए और बी पहचान सके, ए की प्लेस पे है 2x एंड बी की प्लेस पे है 5, ये आप याद रखें, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, ए स्क्वायर मीन्स 2x² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, 2x² इज 4x², 5 × 2 = 10, 2 × 20x प्लस 25, ये मेरा फर्स्ट पार्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे सेकेंड पार्ट, 2x - 5 होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर देखें, ए की प्लेस पे है 2x, बी की प्लेस पे है 5, बट आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इससे पहले ऊपर वाले में क्या लगी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, अब माइनस वाली लगेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम पैटर्न बट साइन इज माइनस, ठीक है। 4x² माइनस 20x, 5 × 10 = 20 प्लस 25, हाँ बस दोनों पार्ट आ चुके हैं। जब दोनों पार्ट आ गए तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, पहले आइडेंटिटी की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसे डायरेक्ट करने की भी कोशिश करिए। योर क्वेश्चन वॉज 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स की वैल्यू रखेंगे, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट एंड दिस वॉज योर सेकेंड। फर्स्ट इज 4x² प्लस 20x प्लस 25, ये हो गया फर्स्ट, माइनस 4x² माइनस 25x, सॉरी 20x प्लस 25, वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट इज माइनस, सो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 4x² प्लस 20x प्लस 25 माइनस 4x² प्लस 20x माइनस 25, ठीक है। अब देखिए, प्लस का 25 माइनस का 25 विल बी कैंसिल, 4x² कैंसिल, 20x एंड 20x विल गिव यू 40x। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, हमने इसे पार्टली किया, बट अगर आप आइडेंटिटी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है ना, हमने अभी सेकेंड लिया तो थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ ऑलमोस्ट उसी पे बेस्ड है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नाउ आई एम डायरेक्टली टेकिंग 6th and 7th, सो द 6th पार्ट इज 6th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ab प्लस bc होल स्क्वायर माइनस 2ab² c। फाइन, इसमें क्लियरली दिख रहा है आपको x + y होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, ठीक है। बस केवल आपको ये पता करना है कि x की प्लेस पे क्या दिख रहा है हमें, ab, एंड y की प्लेस पे क्या दिख रहा है, bc। ये आपने अगर अच्छे से पता कर लिया तो आप डायरेक्टली इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी सेज x² x की प्लेस पे हमारे पास क्या है, ab प्लस 2xy, x इज ab एंड y इज bc प्लस y² मीन्स bc² माइनस 2ab² c, ये हमारा क्वेश्चन था। इस पार्ट में हमने क्या लगा ली है, आइडेंटिटी, एंड ये एज इट इज कॉपी।
आप होल स्क्वायर ओपन करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अगर हम इसे ओपन करें तो 2ab² c दिख रहा है प्लस b² c² एंड ये एज इट इज सिंपल प्रॉपर्टी हमने ओपन कर ली। ये एंड ये मुझे लाइक दिख रहे हैं एंड दोनों के साइन अपोजिट हैं, एक +2 है और एक -2 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना शॉर्ट आया, a² b² प्लस b² c², ठीक है, सिंपल से सॉल्व हुआ ये। इसका नेक्स्ट हम लेंगे दैट इज m² - n² m होल स्क्वायर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन किया, प्लस 2m³ n² क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है बट अंदर के नंबर और थोड़ी पावर में दे दिए। ये होल स्क्वायर लगेगा ये तो हमें क्लियर है, मीन्स हम वही x - y होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे विच इज x² - 2xy प्लस y², ये तो हम इतने यूज टू हो जाना चाहिए कि हमें अप्लाई करना आ जाए। x की प्लेस पे कंपेयर करें तो वी हैव m² एंड y की प्लेस पे कंपेयर करें तो वी हैव n² m। ये एक बार पता चल जाए तो प्रॉपर्टी लगाना बहुत इजी हो जाता है। नाउ विल अप्लाई द प्रॉपर्टी, ये हमारा क्वेश्चन था, इसका होल स्क्वायर है तो इट विल ओपन एज m² का स्क्वायर बिकॉज x² - 2xy, y इज n² m, ठीक है 2xy प्लस y² एडिशनल में यहां दिया है 2m³ n² ये हमने क्या किया वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी आइडेंटिटी के अंदर। अब देखें m⁴ माइनस, इसको सॉल्व करें तो इट विल गिव यू 2m³ n² प्लस, इसको केयरफुली ओपन करें n² m² होल स्क्वायर तो ये बन जाएगा n⁴ m² प्लस जो भी एज इट इज था वो हमने कॉपी किया। मुझे यहाँ दिख रहा है दोनों सेम है, साइन अपोजिट है तो दे कैंसिल एंड योर फाइनल आंसर इज m⁴ प्लस n⁴ m². सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल थे बट थोड़े से एक्सप्रेशंस कॉम्प्लिकेटेड थे तो हमने बहुत ही केयरफुली इन्हें सॉल्व किया। सो फोर्थ हमारा क्वेश्चन डन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज इट इज शो दैट, शो दैट मीन्स हमें LHS और RHS इक्वल बताना है। शो दैट फर्स्ट पार्ट इज 3x + 7 होल स्क्वायर - 84x इज इक्वल टू 3x - 7 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन से एक तो ये आइडेंटिटी की प्रैक्टिस करा रहे हैं प्लस शो दैट देने से हमें ये पता होना चाहिए कि LHS जो आएगा और RHS जो आएगा दोनों का आंसर क्या आना चाहिए इक्वल। इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाला जो होता है दैट इज LHS, तो पहले हमें क्या करना होगा LHS सॉल्व करके देखना होगा। ठीक है लिया हमने LHS, अब मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ आपको ए और बी बता रही हूँ। ए यहाँ पर है 3x एंड बी यहाँ पर है 7, आप क्लियरली देख सकते हैं इट इज a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर इज a² प्लस 2ab प्लस b² एक्स्ट्रा में क्या दिया हुआ है 84x। नाउ 9x² प्लस 7 3 21 2 42x प्लस 49 - 84x। प्रॉपर्टी ओपन कर दी हमने 9x² 42x में से 84 सब्ट्रैक्ट हुए, सॉरी इट विल अगेन गिव यू 42x बट माइनस के प्लस 49। ठीक है ये आपका आया LHS। नाउ आई विल सॉल्व RHS। RHS क्या होता है इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जो है 3x - 7 होल स्क्वायर। अगेन इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए और बी हमें क्लियरली दिख रहा है, इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 3x एंड इन प्लेस ऑफ बी 7। डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टी लगा रही हूँ
तो होगा आपका 3x होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 9x स्क्वायर माइनस 3 2 6 7 जा 42x प्लस 49। अब आप देखें RHS का आंसर और LHS का आंसर, मीन्स आपका जो क्वेश्चन था उसमें LHS इक्वल टू RHS आ गया। उन्होंने कहा था शो दैट दिस इक्वल टू दिस, सो यस वी कैन से दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। इसके बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, मैं एक और ले लेती हूँ प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप घर पे करें। थर्ड हम ले लेते हैं इसका सब पार्ट थर्ड, 4/3 सेकेंड आई एम स्किपिंग, 4/3 एम माइनस 3/4 एन होल स्क्वायर प्लस 2m n इज इक्वल्स टू 16m स्क्वायर 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर इक्वल टू के ये वाला पार्ट, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड RHS। हमें LHS RHS इक्वल लाना है। फर्स्ट वी विल सॉल्व LHS, 4/3 m माइनस 3/4 एन होल स्क्वायर प्लस 2 m एन, फाइन। ए माइनस बी होल स्क्वायर इसमें अप्लाई होगा, अगेन यहां पर a और b लिख लें आप। a इज व्हाट 4/3 m एंड b इज 3/4 n। a और b पता कर लेने से हमें आइडेंटिटी लगाना बहुत इजी हो जाता है। अब हमें क्या लगाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2 ab प्लस बी स्क्वायर, 2 mn एक्स्ट्रा दिया है जो मैंने कॉपी कर दिया, आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। इसको ओपन करें, 4 4 16 m स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिल कर दें, 2 mn, ठीक है। प्लस यहाँ पे होगा 3 का स्क्वायर इज 9, n स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 2 mn एक्स्ट्रा टर्म दी थी जो हमने कॉपी कर दी। क्लियरली दिख रहा है ये कैंसिल एंड फाइनली इट इज 16 m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9 n स्क्वायर अपॉन 16। ये है आपका LHS। अब आप RHS देखें, RHS एज इट इज ये का यही है, मीन्स हमने शो कर दिया कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हो गया शो दैट दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, तो यू कैन राइट LHS इक्वल्स टू RHS, शो दैट, ठीक है। नाउ लास्ट ले लेते हैं इसका एक और, काफी बड़ा सा दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट। इन द फिफ्थ पार्ट दे हैव सेड LHS, बहुत बड़ी सी टर्म है, इक्वल टू जीरो लेके आना है हमें। क्या शो करना है, a माइनस बी a प्लस बी प्लस बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, ये सब सॉल्व करने पे RHS में है जीरो, मीन्स हमें लाना है दिस इज इक्वलेंट टू जीरो बिकॉज इट इज शो दैट, ठीक है। अब आपके पास तरीका है, आप या तो इन्हें अलग अलग सॉल्व कर लें, बट अब मेरे ख्याल से हम इतना यूज टू हो चुके हैं कि हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज ए माइनस बी दिस इज ए प्लस बी, सो दिस शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिमिलरली दिस शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लाइक टर्म ढूंढें इसमें, ए प्लस ए है ये माइनस ए, दिस इज प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस सी, तो आ गया जीरो। जितना बड़ा क्वेश्चन था उतना ही इसका छोटा सा सोल्यूशन था, बट आपको केवल यहाँ ध्यान रखना है कि हमने क्या किया है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करी, कौन सी, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इफ वी हैव सिचुएशन लाइक दिस देन इट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, तो स्टूडेंट हमने फिफ्थ लिया। अब सिक्स सेवन जो इस बुक के क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, मैं उनका एक 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 पार्ट ले लेती हूँ, ठीक है। सिक्स्थ इज यूजिंग आइडेंटिटीज इवैल्यूएट, मीन्स हमें वैल्यू फाइंड करना है। सिक्स्थ इसका फर्स्ट है 71 स्क्वायर। इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, हम इसे लिखेंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 71 इंटू 71 विल प्रिफर द आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। कौन सी आइडेंटिटी लगी इसमें? ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पे हमें दिख रहा है 70 एंड बी की प्लेस पे दिख रहा है 1, सो वी कैन डायरेक्टली अप्लाई द आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितने सिंपल वे में प्रॉपर्टी लग गई, 70 स्क्वायर इज 4900 प्लस 140 प्लस 1, इसको हम ऐड कर देंगे, लास्ट डिजिट 1 आ जाएगा, 405041 इज द स्क्वायर ऑफ 71, ठीक है। ये था फर्स्ट। अब मैं एक दो स्किप कर देती हूँ, मैं डायरेक्ट लास्ट ले रही हूँ विच इज सिक्स्थ। 297 मल्टीप्लाई बाय 303। अब ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है, बट हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जिसमें से कुछ माइनस या प्लस करने से ये आ जाए। क्या हम इसे 300 माइनस 3 300 प्लस 3 लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स 300 प्लस 3 इज 303 एंड 300 माइनस 3 इज 297, ठीक है, इजी हो गया। अब ये सेम है a माइनस b a प्लस b, सो इट इज इक्वलेंट टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको साइड में यहाँ फिर से बता देती हूँ, a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की प्लेस पे हमारे पास 300 है एंड b की प्लेस पे 3 है, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 90,000 माइनस 9, 90,000 माइनस 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट इज 8991, ठीक है। कितना सिंपल तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो सिक्स सेवेंथ एट्थ आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सेवेंथ का मैं एक पार्ट ले लेती हूँ। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही कह दिया है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, बट स्टिल हम हमारी तरफ से अपना ब्रेन लगा के यूज करेंगे। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ का आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट। थर्ड इज 153 स्क्वायर माइनस 147 स्क्वायर। ऐसे तो इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी दे दी, बट स्टिल हम आइडेंटिटी खुद से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है एंड इट इज इक्वलेंट टू दिस, ठीक है। इन प्लेस ऑफ ए वी हैव 153, इन प्लेस ऑफ बी वी हैव 147। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इज इक्वल टू 153 प्लस 147 एंड 153 माइनस 147, ठीक है। नाउ इनको ऐड करेंगे सो इट इज 300 एंड इट इज, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। कितना इजीली ये सॉल्व हो गया, अदरवाइज इसको मल्टी स्क्वायर करके सॉल्व करना और सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता, ठीक है। तो सेवेंथ हमने लिया, अब हम एट्थ लेंगे। एट्थ का कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं 103 मल्टीप्लाई बाय 104, फाइन। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। नाउ इट इज इक्वलेंट टू x प्लस ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की वैल्यू कंपेयर करें, इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव 100, इन प्लेस ऑफ ए 3 एंड इन प्लेस ऑफ बी 4। लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एट्थ। सब कुछ हमें मिल गया, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 100 प्लस 3 100 प्लस 4 इज इक्विवेलेंट टू 100 स्क्वायर प्लस ए बी, हमें पता है 3 प्लस 4 एक्स की प्लेस पे क्या है 100 प्लस 3 इंटू 4। सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूशन,
दिस इज इक्वल टू 10,000 प्लस 700. वाई 700? 4 and 3 इज 7. 7 into 100 इज 700 प्लस 12. आप इसको ऐड कर लें तो आ जाएगा. सो दोस्तों, दिस वॉज ऑल अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटीज. इसमें हमारा सब कुछ कवर हो गया. इसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ पढ़ा. साथ में चार इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी पढ़ी जो हमारे लाइफ लॉन्ग हमें काम में आएंगे. ठीक है, थैंक यू.